और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस तरफ नहीं तवज्जो देते लोग, हम पे एजेंसियों के लेबल लगा देते हैं। आप लोगों को, नौजवानों जो FSC कर रहे हैं, आप लोग घुसो अफवाज पाकिस्तान में। आप लोग BSc कर चुके हो तो CSS का इम्तिहान दो बेटा। ये आप लोगों को जब तालीमी इदारों में प्रोफेसर हूद भाई जैसे थर्ड क्लास प्रोफेसर बनवाएंगे, पढ़ाएंगे, और मीडिया पर बागी के नाम का ड्रामा चला के कंदील बलोच को आइडियलाइज करेंगे तो कौम की बेटी कभी राबिया बसरी नहीं बनती। सिस्टम को कौन चेंज करता है? मिनिस्टर चेंज करता है? नहीं, आज तक सच तो बताया नहीं गया, ब्यूरोक्रेट करता है। आज तक इस्लामी तालीमी निजाम क्यों नहीं आया? मैं वो जज्बाती या रिवायती बातें नहीं कर रहा, आज मैं समझाना चाहता हूं। आपका सबसे पहला जो फॉरेन मिनिस्टर था, सर जफरुल्ला जैसे कहा जाता है, वो थर्ड क्लास आदमी कादियानी था। और असदुल्ला शख्स एक जो यहूदी था, बाद में मुसलमान हुआ, कायद आजम ने कहा कि जो मुसलमान होते हैं हजरत साहब, वो तो मुसलमान घर में पैदा होते हैं, उन्हें तो इतना मजहब का नहीं पता होता, जो माँ बाप बताते हैं वो करते हैं। तुम क्योंकि यहूदी थे, तुम इस्लाम को सोच समझ कर ही कबूल किया होगा, पढ़ा होगा, लिहाजा तालीमी निज़ाम, इस्लामी तालीमी निज़ाम तुमने मुतारफ़ कराना है, वो तरतीब दो। उसने कहा मुझे एक साल का टाइम दीजिए। इतने में कायदे आज़म इंतकाल फरमा जाते हैं, लियाकत अली खान वज़ीर आज़म आता है, और ज़फ़रुल्ला को जब ये खबर पहुँचती है ना कि भाई असदुल्ला साहब तो इस्लामी निज़ाम तालीम मुतारफ कराने, हम तो काफिर करार दे दिए जाएंगे, हम तो मुनकर हैं ख़त्म नबूवत के। आपको पता है ज़फ़रुल्ला फौरन उसकी पोस्टिंग करवा देता है खलीजी रियासतों में एज एन एम्बेसडर। वो रोता रहता है कि मेरी पोस्टिंग ना कराओ, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो कहता है नहीं, तुम्हें जाना होगा। और वो जाता है तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी जाती है। ये जो हुदैबिया मिल के रिकॉर्ड जले हैं ना, इसकी तारीख वो 1948 से शुरू हुई थी। आपकी हुकूमत ब्यूरोक्रेट चलाता है, मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है, ब्यूरोक्रेट ये चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी सारी जिंदगी के लिए आता है। मैं ये टेक्निकल बातें इसलिए करूं कि नौजवान ज्यादा मौजूद हैं। नौजवानों CSS का इम्तिहान दो, भेस बदल के जाओ, इनके दरमियान में घुसो। जब तक सिस्टम में घुसोगे नहीं, तब्दीली नहीं आ सकती इस तरह। नहीं तो कल को अमेरिका, आज तो हमें तकसीम कर रहा है ना फिरका वारियत या लसानियत की बुनियाद पे, आज तो इनडायरेक्टली हम पे कब्जा किया हुआ है, अपने इसने टाउट बिठाए हुए हैं हमारे ऊपर और हर इदारे में बिठाए हुए हैं, माजरत के साथ। ये फरिश्ते हजरात अगर सुन रहे हैं, सुनते रहें, हर इदारे में बिठाए हैं। बात यह है दोस्तान ज़िवकार, कल को अमरीका डायरेक्टली आप पे आके काबिज हो जाएगा, फिर आप सिर्फ इस काबिल रह जाएंगे कि घर के बाहर अमरीका मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद लिख सकेंगे, और कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आज बच्चों की तरबियत करें और इनको अफवाज में भेजें, पुलिस में भेजें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स में भेजें, कल को सिस्टम तब तब्दील होगा। इदारों में अपने आप को मजबूत करें। कादियानी आज हर इदारे में मौजूद हैं। आपको बेहतर पता है कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे चकवाल में जब अटैक किया गया, हमारे मुसलमान शहीद हुए, उन्हीं के लवाहिकीन को जेल में डाल दिया, पता चला पीछे 2 कादियानी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो ऐसे लोग, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से भी ये मुतालबा करता हूं कि जनाब जो ऑफिसर्स पकड़े हैं CIA को इंफॉर्मेशन लीक करने वाले, उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि बाकी निशाने इबरत हासिल करें कोई ऐसी हरकत करने के पहले। तायद करते हैं आप लोग? तो दोस्तान ज़िवकार, जो सबसे ज्यादा मसला बनता है ये वुमनाइजिंग, औरत के पीछे पड़ जाते हैं, शराब के पीछे पड़ जाते हैं। हर मुक्तदर इदारे में कई ऐसे लोग मौजूद हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमें अपने अफवाज का साथ देना है, लेकिन दरमियान में हर इदारे में मौजूद गद्दारों को निकालना है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई मशीर हो। और अब ये हमें, मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा, ये दर्स हमें किसने दिया नामूस-ए रिसालत का? लोग आपसे पूछते हैं ना, ओ जी मौलवियों पीछे पै गए हो, उन्हें बोला नहीं जी, हम ये दर्स कायदे आज़म ने दिया था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस कायदे आज़म ने लड़ा था, हम ये दर्स अलामा इकबाल ने दिया था। गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी अलामा इकबाल ने बनाई थी। कायदे आज़म जेल में जाते हैं और कहते हैं इल्मुद्दीन तुम एक मरतबा कह दो, मैंने गुस्ताफ को जब कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूतों की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। इल्मुद्दीन तारीखी जवाब देता है, जनाबे वाला जिंदगी च पहला कम कीता है जेड़ा होश च रह के कीता है। फिर अब कमरे अदालत में
कमरे अदालत में जब जाते हैं तो जज अंग्रेज़ था, साकिब निसार नहीं था जो ख़ुद को मुसलमान कहता है, अंग्रेज़ था, ख़ुद को काफिर कहता था। वो कहता है जनाब वाला इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तोहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन फिर दलेरी से बोलता है जज साहब जब आप तोहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तोहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये जो थर्ड क्लास बंदा मसनद वजारत पे बैठ के ये कह रहा होता है ये छोटा तबका है, मैं बताऊं ये छोटा तबका क्या है? इसी छोटे तबके से ताल्लुक रखने वाले मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको गिरफ्तार किया गया सबसे पहले तो उनके पास जनरल जियाउल हक मरहूम के एडीसी को भेजा गया। वो कहता है नियाजी, ये सुनिएगा बड़े गौर से, वो कहता है नियाजी साहब आज के बाद आप इन तहरीक ख़त्म नबूवत में ना नजर आए, हालात ठीक नहीं है मुल्क के। वो मुस्कराते हैं और जवाब नहीं देते। वो कहता है नियाजी यू नो आई एम इन यूनिफॉर्म, वी आर रनिंग द स्टेट एंड यू आर अंडर द स्टेट, मैं वर्दी में मलबूस हूँ, मैं रियासत चला रहा हूँ और तुम रियासत के माता है। तो नियाजी साहब कहते हैं बेटा मैं जानता हूँ तुम वर्दी में हो, यू आर इन यूनिफॉर्म, यू आर रनिंग द स्टेट एंड आई एम अंडर द स्टेट, बट लिसन आई वॉज इन यूनिफॉर्म व्हेन यू वर इन लिक्विड स्टेट। समझें कि मैं उस वक्त तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लिए उठाया था तब मैं वर्दी में था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये था छोटा तबका। कमरे अदालत में लेके जाते हैं जज, बुढ़ा नहीं था साकिब निसार की तरह, जवान सा था, नया नया आया था। वो कहता है नियाजी मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड उठाए, तुम्हारी सारी जिंदगी तहरीकों में गुजरी है, तंज करता है। नियाजी साहब कहते हैं मुस्कुरा के बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी, अगर तुम नियाजी की जिंदगी तहरीकों में ना गुजरती तो तुम आज इस कुर्सी पे ना बैठे होते, किसी थड़े पे पकौड़े बेच रहे होते। ये था छोटा तबका। और याद रखो मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, माओ की तरबियत फिर आप लोगों ने जो बच्चों की तरबियत करनी है। वो एक 6 सितंबर की तकरीब थी, एक जवान शहीद हुआ था हमारा हिंदुस्तान के खिलाफ, तो पठान माँ को बुलाया जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, क्या तासुरात हैं? तो मैं समझ रहा था पठान माँ आएगी, रोएगी, कहेगी बच्चा बड़ा याद आता है, तो मैं मर खप गई हूँ। वो आती है आफरीन उस पठान माँ पे, आती है और कहती है वतन अचर खपा मशे, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान हमारे अकाबरीन ने बनाया, हमारे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने बनाया, हमारे पीर ऑफ मानकी ने बनाया, हमारे पीर ऑफ जकोड़ी ने बनाया, हमारे पीर पगाड़ा ने बनाया, पीर जमात अली शाह ने बनाया। अगर कोई कहता है इस मुल्क के ठेकेदार हो, बोलो हाँ, वफादार भी हैं, चौकीदार भी हैं, ठेकेदार कहते हो ठेकेदार भी हैं, तुम्हें इस पे काबिज़ नहीं होने देंगे। अल्लाह इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और अल्लाह इन दलेर बुज़ुर्गों का साया हम पे सलामत रखे। आमीन।